हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सपने यूट्यूब चैनल एमकेएलएम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ के चैप्टर नंबर 11 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है बट्टा या छूट डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बट्टा क्या होता है आपको पता ही होगा, या छूट। देखिए क्या होता है कि दुकानदार कभी कभी क्या करता है कि ग्राहक को लुभाने के लिए, ताकि ग्राहक क्या हो जाए, उससे प्रेरित होकर अपना सामान खरीद ले, ठीक है। तो ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करता है दुकानदार, कुछ उसमें छूट देता है। मान लिए किसी सामान का अगर उसमें दाम लिखा हुआ है, कोई सामान प्रोडक्ट में MRP उसमें मान लीजिए है 200 रुपया, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है, उसको 200 में नहीं बल्कि कुछ कम दाम में बेचता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 200 रुपया दाम लिखा हुआ है, तो वो उस सामान को 180 में दे देगा या 190 में दे देगा। तो ये जो छूट दिया, मान लीजिए अगर 180 में उस सामान को बेचा, उसमें लिखा हुआ 200 रुपया, तो छूट दिया कितना रुपये का छूट दिया, कितना रुपये का, 20 रुपये का छूट दिया ना। तो 20 रुपये का जो छूट दिया, यही आपका क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है या डिस्काउंट छूट कहलाता है, ठीक है। मतलब इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट समझ में आ गया। डिस्काउंट अगर बोलेगा कि डिस्काउंट कहते किसे हैं, बट्टा किसे कहते हैं, तो दुकानदार ने यदि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसमें कुछ छूट देता है, उसी को बट्टा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बट्टा अलग अलग तरह से देता है, है ना। बट्टा का यानी प्रकार समझ लीजिए। तो बट्टा का अगर कहिएगा तो मेन 4 प्रकार होता है। एक होता है प्रतिशत बट्टा, जिसको बोलते हैं परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। क्या होता है प्रतिशत बट्टा, कह देते हैं हम प्रतिशत बट्टा, ठीक है। तो प्रतिशत बट्टा में क्या होता है कि दुकानदार उसको परसेंट के हिसाब से देता है छूट। मान लीजिए अगर 500 रुपया है, तो उसको 10% का छूट दे दिया, यानी 50 रुपया का छूट दे दिया, ठीक है। या कभी कभी ऐसा सामान होता है, अगर आप मॉल वूल में गए होंगे तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियरली इस बात को समझ में आएगा, यानी उसमें लिखा रहता है कि 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। और ये ऐसा कब होता है, ये होता कोई अगर त्यौहार हो जाए, जैसे होली हो गया, ईद हो गया, है ना, कोई स्पेशल ओकेजन पर ये क्या किया जाता है, इतना छूट दिया था इस टाइप से, ठीक है, ताकि आदमी अट्रैक्ट होकर के उसका प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज पर जो देने वाला बट्टा होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिशत बट्टा, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, नगद बट्टा। नगद बट्टा देखिए, अगर आप कहीं बिजनेसमैन से मिले होंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। नगद बट्टा मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए हम कोई सामान लेते हैं 50,000 का, ठीक है। तो 50,000 का सामान ज़्यादातर केस में ये होता है कि उसको एक ही बार में पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, बारी बारी से दिया जाता है, या कुछ पैसा उधार रख दिया जाता है। तो नगद बट्टा में होता क्या है कि अगर मान लीजिए जितना उसका सामान हम खरीदे, उतना पूरा हम पैसा देने के लिए राजी हैं, नगद पैसा देने के लिए हम अगर तैयार हैं, तो उसमें दुकानदार क्या करेगा, आपको कुछ उसमें छूट देगा। मान लीजिए अगर 50,000 का सामान लिया, तो आपको उसमें 2,000 का छूट दे दिया कि 2,000 रुपया आपके लिए छोड़ देते हैं, आप 50, है ना, उतना रुपया दे दिया 48,000। तो उससे क्या होता है कि उसको एक फायदा मिल जाता है कि एक ही बार में उसका मोटा पैसा आ जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, नगद बट्टा। नगद बट्टा को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ठीक है। और ये प्रतिशत बट्टा को बोलते हैं परसेंट डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट, ठीक है। अब जो तीसरा टाइप का बट्टा होता है, वो होता है व्यापारिक बट्टा। क्या होता है, व्यापारिक, व्यापारिक बट्टा। देखिए व्यापारिक बट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल डिस्काउंट, कमर्शियल डिस्काउंट। तो कमर्शियल डिस्काउंट होता क्या है कि माल की बिक्री को बढ़ाने के लिए दुकानदार क्या करता है, ग्राहक को ज्यादा बट्टा देता है, मतलब उसमें ज्यादा उसको छूट देता है,
ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। ये सब कम यूज होने वाली चीज़ है व्यापारिक बट्टा। मेन ये प्रतिशत बट्टा हो गया, नगद बट्टा हो गया, ठीक है, और एक बट्टा होता है जिसको बोलते हैं कर्मिक छूट, है ना, या कर्मिक बट्टा बोलते हैं। कर्मिक मतलब का, कर्मिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है इसे कर्मिक, ठीक है, कर्मिक बट्टा। कर्मिक को बोलते सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, देखिए ये अगर कोई सामान मान लीजिए है ना 200 रुपया है, तो 200 रुपया में पहले इसमें छूट दे दिया आपका 10% का, ठीक है। अब 10% छूट देने पर इसमें सामान कितना, देखिए 100 में 10% छूट, तो 100 में जब 10% तो 200 में कितना रुपया, 20%, यानी 20 रुपया, तो 20 रुपया का छूट यानी 180 रुपया, फिर 180 रुपया का अलग प्रतिशत मान लिए इसमें, फिर 5% का छूट दे दिया, फिर इसमें फिर जो बचा उसमें फिर 3% का छूट दे दिया। तो ये जो है ना छूट पे छूट, छूट पे छूट दिया जाता है, इसी को बोलते हैं कर्मिक बट्टा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी बट्टा आपका कितने तरह का हो गया, 4 प्रकार का, एक प्रतिशत बट्टा जिसको परसेंट डिस्काउंट बोलते हैं, दूसरा नगद बट्टा जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, तीसरा व्यापारिक है ना बट्टा जिसको कमर्शियल डिस्काउंट बोलते हैं, और चौथा कर्मिक बट्टा जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बट्टा को समझने के लिए आपको 2-3 टर्म को याद रखना पड़ेगा। एक होता है आपका अंकित मूल, क्या होता है अंकित मूल, अंकित मूल। देखिए हम जिस तरह से बताते हैं इस तरह से आप पढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अंकित मूल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, क्या बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो अंकित मूल होता क्या है, अंकित मूल देखिए कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उसमें नाम है ना उसका दाम लिखा रहता है, MRP लिखा रहता है, ठीक है, जिसको उसमें जो दाम लिखा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, जो उसमें अंक में लिखा रहता है उसी को क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक अंकित मूल्य यूज होगा, और जो दूसरा वर्ड यूज होगा वो होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो हम बताए थे है ना इससे पिछले वाले चैप्टर में, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, SP है ना, सेलिंग प्राइस। तो देखिए बट्टा अंकित मूल्य क्या हुआ, अगर मान लिया किसी सामान में 200 रुपया, जैसे हम बताए कि 200 रुपया अगर उसका दाम लिखा हुआ है तो ये इसका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य यदि उस सामान को अगर वो क्या मान लीजिए 150 रुपया में बेचता है तो ये इसका बेचने वाला जो प्राइस हुआ ये हो गया आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब जो इसमें छूट दिया, देखिए 200 में से 150 रुपया में बेचा, 200 रुपया दाम लिखा था तो इसमें कितना रुपया का छूट दिया, 50 रुपया, तो 50 रुपया ही उसका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, समझ में आया। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट छूट बोलते हैं या बट्टा बोलते हैं, ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए अगर प्रतिशत में दिया रहेगा तो प्रतिशत बट्टा, और अगर और एक एक दो बात को याद रखिए, एक जो इसमें वर्ड यूज होता है एक होता है बट्टा, तो बट्टा तो आप समझ गए, तो एक होता है बट्टा की राशि, क्या होता है बट्टा की राशि या बट्टा राशि आपको लिखा मिलेगा। तो बट्टा राशि होता क्या है, यानी जितना रुपया का छूट दिया, यदि वो रुपया में है, है ना, किसमें है, रुपया में है या पैसा में है, है ना, तो वो जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका, बट्टा राशि कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा जो बात आता है, चौथा बात वो आता है आपका बट्टा दर, क्या होता है बट्टा दर। तो बट्टा दर क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रेट बोलेंगे, ठीक है, और इसको बोलेंगे डिस्काउंट अमाउंट। अगर लिख सकते लिखिएगा तो लिख लीजिए, डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो बट्टा का दर क्या हो गया, वो उसमें प्रतिशत में, जैसे अगर यही इसमें रहे 200 रुपया में 10% का छूट दिया तो प्रतिशत में जो रहे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बट्टा का दर, ठीक है, परसेंटेज में, यहां तक बात क्लियर। अब देखिए तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, यानी किसी सामान का अगर उसमें दाम लिखा है और उसको बेचा जाए तो अगर बोलेगा कि इसमें कितना बट्टा मिला तो बट्टा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख देते सम फॉर्मूले, सम फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। तो एक हम लोग पहले पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा, तो बट्टा राशि यानी बट्टा बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल, अंकित
मूल माइनस विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। यानी जितना दाम उसमें लिखा है और जितना दाम में बेचा, जितना दाम लिखा है उसमें से जितना दाम में बेचा उससे जो है ना घटा, उसमें को घटा देने पर जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए क्लियरली समझ में आएगा, 200 रुपया दाम लिखा था, 150 रुपया में बेचा, तो 50 रुपया कम किया यानी 200 माइनस 150, तो 50 रुपया जो बचा यही इसका क्या कहलाया, बट्टा कहलाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो बट्टा बराबर क्या हो गया कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब क्वेश्चन टू नंबर देखिए, दूसरा फॉर्मूला बताते हैं आपको, बट्टा राशि, बट्टा राशि ये क्या हो जाएगा, देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को मार्क प्राइस एमपी लिख देते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य गुना क्या हो जाएगा, बट्टा दर है ना, यानी अगर मान लीजिए उसमें दिया है कि 2% या 3% या 5% का छूट, तो वही हो गया बट्टा दर, तो बट्टा दर बट्टे में आ जाएगा आपका 100, ये हो गया आपका बट्टा की राशि, ठीक है। देखिए एक चीज आप यहाँ नोटिस करने वाली है कि हम लोग जो निकालते थे प्रॉफिट और लॉस पढ़ते थे, लाभ और हानि, तो उसमें हम लोग जो परसेंटेज निकालते थे वो हमेशा किस बेसिस पर निकालते थे, हम लोग किस पर, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर निकालते थे ना। तो उसी तरह से यहां पर कुछ भी जो निकलेगा वो एमपी पर निकलेगा, मार्क प्राइस पर, यानी उसमें जितना दाम लिखा है उसी में से निकलेगा कि उसका जो बट्टा राशि क्या होगा या विक्रय मूल्य क्या होगा, वो उसी बेसिस पर होगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक चीज यहां पर नोटिस करने वाली बात यहां पर कि बट्टा बराबर ये आया, ठीक है। तो अगर आपको बट्टा दे के रखे और अंकित मूल्य दे के रखे, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, सेलिंग प्राइस एसपी, तो वो कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, आपका क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी यूज होगा आपका।